हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है दोस्तों। इस समय रुलखोर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन और एग्जाम को लेकर इस वक्त की अलग अलग बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी रुलखोर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं या फिर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा LLB, LLM और MET का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। LLB में शरद कौशिक, MET में मनीषा शर्मा और LLM में आराध्य गुप्ता ने यहाँ पर टॉप किया है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें आपके एडमिशन को लेकर, तो PG कोर्सेज में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम मौका है। अगर आप PG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप आज तक अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताइए होगा, रुलखोर यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एस बी ए, बी एस सी, बी कॉम वगैरह के लिए भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया है, जिस वजह से बरेली कॉलेज में जो सीटें खाली रह गई हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उन सीटों के लिए बरेली कॉलेज दोबारा से अपना जो एडमिशन पोर्टल है उसे ओपन करेगा। तो अगर आप बरेली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी और कोर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर देख कर जो आवेदन है वो कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ की जो फीस है वो भी ₹150 रखी गई है, ठीक है। आप जब भी वहाँ पर आवेदन करें तो अपने कोर्स और कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट खाली देख कर ही आवेदन करें, ठीक है, क्योंकि सभी को वहाँ पर आवेदन करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, वो स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। उनसे कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है, आप न्यूज़ भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल किए जा रहे थे। स्नातक के द्वितीय सेमेस्टर के 1.15 लाख एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फिल किए जा चुके हैं और यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर में 1.35 लाख जो एग्ज़ाम फॉर्म थे वो फिल किए गए थे और अभी मिड टर्म की जो परीक्षाएँ वो आयोजित हो रही हैं। ऐसे में रुलखंड विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो कल समाप्त हो चुके हैं और अब तक बी ए, बी एस सी और बी कॉम के 1.15 लाख से अधिक एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं वो फिल किए जा चुके हैं। बहुत जल्दी इन स्टूडेंट्स के जो एडमिट कार्ड हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उससे पहले आपके एग्ज़ाम स्कीम आएंगी, तो आपके जो परीक्षाएँ हैं वो नवम्बर के लास्ट में या फिर दिसंबर में ही आयोजित होने वाली हैं। आप अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अभी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर ये डिसाइड या फाइनल नहीं किया है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि आपके जो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर जिस तरह से रिटर्न एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, उस तरह से होंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है। जो भी लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है हम आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं, तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।